आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पार्सल स्कैम को लेकर सख्त हुई है सरकार, फर्जी कॉल पर कसी जा रही है नकेल। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है I4C और टेलीकॉम डिपार्टमेंट मिलकर ऐसे कॉल्स को ब्लॉक कर रहे हैं जो भारत से बाहर आ रहे हैं। इस तरह के कॉलर झूठा दावा कर रहे हैं कि वह CBI या फिर जो NCB के सीनियर अधिकारी ये बात कर रहे हैं। वही जो I4C जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर स्कैमर्स द्वारा ऑफिशियल लोगों का गलत इस्तेमाल रोकने की कोशिश में काम कर रहा है। दरअसल स्कैमर्स अपने शिकार का विश्वास जो है वो जीतने के लिए झूठी विश्वसनीयता हासिल करने की कोशिश में जो है वो कामयाब हो रहे हैं। वही I4C के CEO जो है राजेश कुमार, उनका कहना है कि ऐसे बहुत से मामले देखने को मिले हैं जिनमें कॉलर ने खुद को जो है पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से होने को यहां पर बताया है। वही डिजिटल हाउस रेट के साथ पैसों की ठगी को अंजाम जो है वो दिया गया। इन विक्टिम को भारत के ही नंबर से नॉर्मल जो है वो कॉल किया गया था। तो इस तरह की जो है सरकार इसके ऊपर बैन लगा रही है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो EPFO को लेकर बड़ी खबर देखिए। EPFO से नए साल में जुड़े हैं लगभग 1,40,00,000 से ऊपर लोग। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने EPFO ने हाल में जो है वित्तीय वर्ष 2024 में EPFO से जुड़े जाने वाले सदस्यों के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 के महीने में EPFO में कुल जो है 1,44,00,000 के आसपास सदस्य जोड़े गए हैं। इसका ये मतलब है कि वित्त वर्ष 2024 में 1,44,00,000 लोगों को EPFO पोरल में जोड़ा गया। हालांकि वित्तीय वर्ष 2023 में ये यहाँ पर संख्या 1,38,00,000 के आसपास थी, जो इस वित्तीय वर्ष की तुलना में थोड़ा यहाँ पर कम है। वही कोरोना महामारी के बाद पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में EPFO में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि जो है वो देखी गई है। वही वित्त वर्ष 2024 में पेरोल जो में जुड़े गए लोगों की संख्या वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 58% और वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 13% थी। ऐसे में इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ पर इसमें नए यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसमें ये जानकारी जो सामने आई उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2024 के पेरोल में जुड़े गए संख्या जो है वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 58% और वित्त वर्ष 2023 में जो है ये 13% जो है वो वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। बाद हम कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। जून महीने में 10 दिन नहीं होगा बैंकों में कामकाज। जून के महीने में कुल 10 दिन जो है बैंकों में कामकाज नहीं होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है बैंकों में छुट्टियों की पूरी लिस्ट को जारी कर दिया। इसमें ये जानकारी सामने आई। अगर आपको भी जो है बैंक से संबंधित कोई भी काम है तो जल्द से जल्द निपटा लें ताकि बैंक बंद होने पर आपको जो है परेशानी ना हो। जून में 10 दिनों की छुट्टियों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय छुट्टियों के साथ साथ रविवार और दूसरे शनिवार भी शामिल है। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों को जून महीने में साप्ताहिक अवकाश के रूप में 5 रविवार 2 शनिवार की छुट्टियां मिलने वाली। आपको बता दें कि देश में सातवें चरण के लोकसभा चुनाव के कारण 1 जून को 8 राज्यों के 57 शहरों में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। बता दें आपको कि बैंकों के लिए सभी राज्यों की छुट्टियों की लिस्ट जो है वो यहाँ पर एक सी नहीं होती है। RBI के मुताबिक सभी राज्यों की छुट्टियाँ अलग अलग होती है। RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन छुट्टियों की पूरी लिस्ट यहाँ पर होती है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये जानकारी देख सकते हैं। फिलहाल जो है 4 रविवार और 3 यहाँ पर जी छुट्टी है, टोटल मिलाकर 7 दिन की छुट्टी जो है वो बैंकों में रहेगी 2 शनिवार को। तो इसके अलावा जो है बात करते हैं 15 जून को एक राजा संक्रांति की छुट्टी रहेगी आइजोल और भुवनेश्वर में। 17 जून को बकरा ईद है, लगभग देश के सभी राज्यों में जो है छुट्टी रहेगी। और 18 जून को बकरा ईद की छुट्टी जम्मू कश्मीर में रहेगी। इसके अलावा जो है शनिवार और रविवार की छुट्टियां जो है वो बैंकों के अंदर रहेगी। तो ये कुछ लिस्ट जो है वो निकल के सामने आ रही है, बैंक खाताधारकों के लिए छुट्टियों की लिस्ट जो है वो निकल के सामने आ रही है। बाद हम कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत, अब काम करने के समय में हुआ है बड़ा बदलाव। देश के कई राज्यों में जो भीषण गर्मी से लोग जो है बेहाल हो गए हैं। वही बात करें राजस्थान की तो यहाँ भी पिछले 2 हफ्तों से तेज गर्मी पड़ रही है, इसके चलते कई जिलों में तापमान बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पारा 48 डिग्री तक जा रहा है। वही भीषण गर्मी के चलते राजस्थान सरकार ने मनरेगा और सफाई कर्मियों को राहत दी है। मनरेगा मजदूरों और सफाई कर्मियों को राहत दी है दशा सरकार की ओर से। उनके कार्य में समय जो है बदल दिया गया। इस संबंध में एक आदेश जारी कर दिया गया। जारी आदेश के अनुसार अब मजदूरों को सुबह 6 बजे के बजाय सुबह जो है अब 5:30 बजे कार्य पर जाना होगा। दोपहर 12:30 बजे जो है उनकी छुट्टी हो जाएगी। वहीं गर्मियों के दिनों में मनरेगा मजदूर का कार्य सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है। वहीं विभाग की ओर से जारी आदेश में ये भी लिखा है कि जो मजदूर मेट की ओर से दिए गए निर्धारित टास्क को पूरा कर लेता है
वह मजदूर सुबह सुबह 10:30 बजे के बाद जो है कार्यस्थल पर लौट सकता है। सरकार का यह आदेश जो है आगामी 15 जुलाई तक लागू रहेगा। ऐसे में सुबह जल्दी काम करके मजदूर जो है घर लौट सकेंगे, ऐसे में भीषण लू से जो है बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, वीडियो को चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना खबरें आपको ऐसी मिलती रहें।